आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे छोटे तीन कंप्यूटर्स के रिलेटेड 12 ऐसे कंप्यूटर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी सारी स्पेसिफिकेशन। आज की इस वीडियो में बताऊंगा अगर आप भी इंटरेस्टिंग रखते हो कंप्यूटर में, या फिर आप कंप्यूटर पर गेम खेलते हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होने वाली है। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वकार है और हमेशा की तरह आपको अपने विकी लैब चैनल में मैं खुश आमदीद कहता हूं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले जो सा मेरा कंप्यूटर है, सबसे मिनी और छोटा कंप्यूटर, वो आपको शो करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट वाले पीसी के बारे में बात करेंगे, मिनी पीसी के बारे में। एसी पीसी AK1 मिनी पीसी इंटेल सेलेरॉन J3455 इसका मॉडल, इसका नेम मेंशन है। तो इसकी जो सी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानते हैं, इसकी रैम रोम कितनी है और ये कैसे काम करता है और ये कौन सी विंडो को सपोर्ट करता है। तो प्रोसेसर इसका है इंटेल सेलेरॉन अपोलो लेक J3455 प्रोसेसर अप टू 2.3 गीगा हॉर्जोन। तो ये एक बहुत ही अच्छा इसका प्रोसेसर है, जितना यानी कि ये छोटा सा मिनी सा एक कंप्यूटर है, मेरे ख्याल से ये इसके लिए प्रोसेसर इनफ है। आप लोग इसको लाजमी स्टडी किया करें ऐसी चीज़ों को, अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो या फिर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हो। तो इसके बाद सेकेंड पे इसकी बात करेंगे मेमोरी की। मेमोरी इसकी 4GB है DDR3 के साथ है। आउटस्टैंडिंग यार, कमाल का पीसी है यार ये DDR3 के साथ, ये छोटा सा एक पीसी हमें अवेल हो रहा है, आउटस्टैंडिंग यार। तो उसके बाद हम बात करेंगे स्टोरेज इसकी है 64GB eMMC। तो अब बात करेंगे इसकी कनेक्टिविटी 2.4G 5G ड्यूल वाईफाई गीगाबिट एथरनेट BT4.2 ज़बरदस्त यार। अब बात करेंगे एक्सपेंशन पोर्ट की, कितनी इसकी पोर्ट है, 2 USB पोर्ट हैं 3.0 की, 2 USB 2.0 की, 2 HDMI 1 ऑडियो आउटपुट, 1 micro SD स्लॉट। उसके बाद आ जाता है इसकी 128GB कार्ड्स। तो डायमेंशन इसकी है 5.04x5.04x2.05 इंच। तो ये था आज का पहला मिनी पीसी। विंडो 10 को सपोर्ट करता है, किसको सपोर्ट करता है, तो ये आपको मैं दिखाता हूँ अभी। अगर बात की जाए इसके सीपीयू के बारे में, इंटर सेलेरॉन जो मैंने बता दिया है, विंडो 10 को सपोर्टेड है, ड्यूल ब्रांड वाईफाई है, DDR3 eMMC ब्लूटूथ 4.2 के साथ। तो ये था आज का पहला पीसी, मिनी पीसी। चलते हैं दूसरे पीसी की जानिब। तो आज का दूसरा मिनी पीसी है, ये भी SCP PC AK2 है, यानी कि जो पहले हमें 1 देखा था AK1 में। तो मिनी पीसी इंटेल सेलेरॉन जे, ये मॉडल भी उसका वही है, बस इसका SSD 7 इसका लगा है। उसकी स्पेसिफिकेशन है वो तकरीबन सेम ही है, बट इसकी रैम रोम में काफ़ी डिफरेंस है, यानी कि इसकी थोड़ी सी अप है। जैसे यानी कि हम वीवो या कोई ओप्पो वगैरह का फ़ोन लेते हैं तो एक मिनी होता है, यानी कि एक प्रो होता है, एक सिंपल होता है, ठीक है। इसी तरह ये एक प्रो है, और फर्स्ट वाला जो हमने देखा था वो सिंपल था, और ये वाला जो है सेकंड वाला AK2 ये प्रो है। तो स्पेसिफिकेशन इसकी वही है तकरीबन, तो मॉडल इसका वही आता है। मेमोरी की बात करते हैं, 4GB या फिर इसकी 6GB है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे बताया कि प्रो और जैसे एक सिंपल वाला मोबाइल होता है एक प्रो होता है, इसी तरह का ये भी है DDR3L के साथ है ये। और इसकी स्टोरेज जो सी है वो 64GB eMMC या फिर 120GB SSD है। तो एक्सपेंशन इसका पोर्ट वही है तकरीबन 2.0 USB है, 2x3.0 जो सी है इसकी USB है, HDMI 2x HDMI ये हेडफोन है, इसके साथ वो माइक है, कम्बो माइक है इसके साथ, इंटरफेस 1 ईथरनेट पोर्ट है इसके साथ, ओबियसली इनके जिसको हम लैन बोलते हैं, माइक्रो SD कार्ड है इसके बाद, DC पावर पॉइंट है, डायमेंशन है 5.5x5.0, ये वही इनके चीज़ हैं जो हमने AK1 में पढ़ी थी। तो अब बात करेंगे हम अपने सबसे मिनी कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर नंबर 3 के बारे में। तो
तो ये है हमारे पास तीसरा पीसी कुफन मिनी पीसी इंटेल ऑटम इनटू 5-Z8350। ये सबसे छोटा मिनी पीसी है मिनी एस फॉर्म में। प्रोसेसर इसका इंटेल ऑटम कोड क्वाड सीपीयू है। मेमोरी एंड स्टोरेज इसकी 4GB DDR यानी कि DDR1 है। 64GB EMC जोन साइज की स्टोरेज है। कनेक्टिविटी ड्यूल बैंड वाईफाई है एंड BT 4.1 Gigabit ईथरनेट है। पोर्ट इसकी है DC इनपुट 1 into USB 3.0, 2 into USB 2.0, 1 into RJ45 कनेक्टर के साथ जो सा ये यानी कि जिसको हम लैन केबल बोलते हैं ये उसका RJ45 है। VGA पोर्ट है। 1 into हेडफोन है। माइक्रोफोन जैक का इसका है और 1 जोन्स है SD कार्ड स्लॉट है। तो ये था थर्ड हमारा मिनी कंप्यूटर। तो हम बात करेंगे अब चौथे कंप्यूटर की जानिब चलते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आया है एक गुजिल्ला मिनी पीसी इंटेल सेलेरॉन J3455 SSD। इसके बारे में हम फर्स्ट वे पढ़ चुके थे। तकरीबन इसका सेम प्रोसेसर है तो सेम इसकी स्पेसिफिकेशन है। बस ये जोन से विंडो 10 प्रो को सपोर्ट करती है। तो नंबर 5 पे हमारे पास जो मिनी पीसी है वो है डॉटर मिनी पीसी इंटेल ऑटम इनटू 5-Z8350। तो ये जोन सा है बहुत ही आउटस्टैंडिंग पॉपुलर पीसी लग रहा है। इसकी भी 2 USB पोर्ट हैं, SD कार्ड है और भी इसकी स्पेसिफिकेशन जान लेते हैं। तो प्रोसेसर इसका है इंटेल ऑटम, वो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज एंड मेमोरी की 4GB रैम है, 64GB इसकी स्टोरेज है। कनेक्टिविटी जोन से है ड्यूल बैंड वाईफाई AC ब्लूटूथ इसके साथ 4.2 है। और पोर्ट इसकी है एक मिनी SD कार्ड स्लॉट है, एक HDMI है, उसके बाद 4K HD पोर्ट, 1 ऑडियो जैक है और इसके बाद ईथरनेट पोर्ट है और 2 USB 3.0 पोर्ट के साथ। तो डायमेंशन इसकी बात करते हैं, 3.8 × 3.8 0.78 इंच की इसकी डायमेंशन है। तो अब हम बात करेंगे तो ये हमारा पीसी नंबर 6 ए वाओ AK34 मिनी पीसी इंटर सेलेरॉन N3450 SSD। तो ए वाओ जोन्स है ये एक मिनी पीसी। तो अब जान लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो स्पेसिफिकेशन इसकी है इंटेल सेलेरॉन N3450। मेमोरी एंड स्टोरेज इसकी है 6GB DDR4 के साथ एंड स्टोरेज इसकी है 128 GB SSD। कनेक्टिविटी जोन से ड्यूल लैन है 2.4G 5G ड्यूल बैंड वाईफाई ब्लूटूथ 4.0 है और पोर्ट इसकी 5 पोर्ट है USB की और ड्यूल HDMI ऑडियो कॉम्बो है, माइक्रो SD कार्ड है स्लॉट। डाइमेंशंस 4.53 इंच × 1.75 इंच इसकी जोन सी डाइमेंशन है। तो अब हम बात करेंगे पीसी नंबर 7 की। तो अब हमारे पास जोन सा पीसी नंबर 7 है उसका नाम है कुफन मिनी पीसी इंटेल सेलेरॉन J3455 SSD अपोलो लेक। तो उसके बाद जो से इसकी मेमोरी होगी वो 6GB इसकी मेमोरी है। स्टोरेज 1 to 8 GB SSD है। स्पेसिफिकेशन की अभी इसकी बारे में बात करते हैं। प्रोसेसर जो सा इसका वही इंटेल सेलेरॉन का है। मेमोरी इसकी 6GB है जो मैंने ऊपर बता दी है। कनेक्टिविटी की बात करते हैं, 2.4G+5G है और ड्यूल बैंड वाईफाई के साथ। ब्लूटूथ इसका ऑब्वियसली 4.2 ही के साथ आ रहा है। जितने भी अब तक हमने मिनी पीसी देखे हैं उसकी ब्लूटूथ 4.2 के साथ ही आ रही है। एक्सपेंशन जोन से उसके बारे में भी देख लेते हैं। 3 जोन्स है वो USB पोर्ट है और HDMI है इस तो इसके साथ HDMI है एंड VGA
फॉर ड्यू मोनिटर है इसका, और उसके बाद वन ऑडियो है, ओबियसली आउटपुट भी इसकी ऑडियो वन है, तो माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट है। तो ये सारे पीसी बहुत अच्छे हैं। आगे जो उनसे पीसी 3 से 4 आने वाले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, सबसे आउटस्टैंडिंग पीसी वो हैं। तो अब हम बात करेंगे पीसी नंबर 8 के बारे में। वाओ, नंबर 8 पीसी ये मेरा फेवरेट पीसी है, आउटस्टैंडिंग। जो उनसे आगे 3 से 4 पीसी आने वाले हैं वो मेरे बहुत ही फेवरेट आउटस्टैंडिंग पीसी हैं। डॉक्टर AK3 मिनी पीसी इंटेल सेलेरॉन N3350 इसका साइड है। डॉक्टर AK3 मिनी पीसी इंटेल सेलेरॉन N3350। तो अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेसर इसका है इंटेल सेलेरॉन, और मेमोरी की बात करते हैं, मेमोरी एंड स्टोरेज 4GB DDR3 एंड 64GB eMMC। पोर्ट इसकी 2 USB पोर्ट हैं इसकी, 1 GB ईथरनेट पोर्ट है इसकी, और 2 USB 3.0 पोर्ट हैं। और उसके बाद इसके एक जो है माइक्रो SD कार्ड पोर्ट है, और 2 जो है HDMI पोर्ट हैं, एंड 1 VGA पोर्ट है। तो ये था नंबर 8 PC। तो अब हम बात करेंगे नंबर 9 की। तो नंबर 9 वाला पीसी जो सा है वो है W5 Pro मिनी पीसी इंटेल ऑटम 5-Z8350। और ये जो सा है एक HDMI प्लग है इसका, पावर बटन है इसका इसके साथ। नंबर 2 पे, नंबर 3 पे हम इसकी बात करेंगे पावर पोर्ट की। नंबर 4 पे है जो सा इसकी USB 2.0 पोर्ट है, यानी कि इसकी दो पोर्ट, एक 2.0 की एक 3.0 की। तो उसके बाद TF कार्ड है इसका और इंडिकेटर है। स्टोरेज एक्सपेंशंस ऑप्शंस है, और उसके बाद इसका सपोर्ट अप टू 128GB कार्ड एक्सपेंशन है। तो ये था नंबर 9 PC। और अब हम बात करेंगे नंबर 10 की। ये इस वजह से मैं जल्दी से कर रहा हूँ क्योंकि ये लंबी वीडियो ना हो जाए। तो नंबर 10 पे हमारे पास आया है कुमफून N40 मिनी पीसी इंटेल सेलेरॉन N4000। कुनफुन इसका आई थिंक इस वजह से नाम रखा गया है क्योंकि ये चाइना में कुनफू खेलता होगा। एनीवे, इंटेल सेलेरॉन N4000 इसका प्रोसेसर है अप टू 2.6 GHz। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ एक नज़र दोहरा लेते हैं। तो स्पेसिफिकेशन इसकी है इंटेल सेलेरॉन, तो मेमोरी इसकी 4GB DDR4, स्टोरेज 64GB, और एक्सपेंशन पोर्ट 1 DC इन पोर्ट है, 3 USB पोर्ट है, और उसके बाद एक जो है HDMI है, उसके बाद वो एक VGA केबल है, एक VGA पोर्ट है, और RJ45 GB ईथरनेट है, एक हेडफोन है, एक माइक्रोफोन कॉम्बो है, एक SD कार्ड स्लॉट है, और डायमेंशन जो है 1.6 इंच की इसकी डायमेंशन है। तो ये था नंबर 10 पे। और अब हम बात करेंगे नंबर 11 PC की। नंबर 11 पर अगर हम बात करें चुई हीरो बॉक्स मिनी PC इंटर सेलेरॉन N4100 जो है वो SSD है। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पेसिफिकेशन जो इसकी है वो है इंटेल जी मिनी लेक N4100 क्वाड कोर प्रोसेसर है। मेमोरी इसकी 8GB DDR4 सबसे अच्छी, और अप जो सी मेमोरी वो मैंने अभी तक इसी पीसी की देखी है। स्टोरेज इसकी 180GB है। SSD एक्सपेंडेबल है, यानी कि आप इसकी स्टोरेज को भी बढ़ा सकते हैं। 2 TB इसकी हार्ड भी है, 2.5 इंच SSD, यानी कि इसकी हार्ड जो है उसका साइज 2.5 इंच का है, और 1 TB SSD भी है। वायरलेस 2.4 GHz टू 5 GHz ड्यू वाईफाई है, एंड BT 4.2 है। टेंशन जो है वो इसका 2 मोनिटर्स हैं विद HDMI 1.4 है, VGA है, USB है, एक टाइप सी है, USB 2 है इसके साथ 3.0 की, और डायमेंशन इसकी है 37.3।
इसके बाद मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये विंडो 10 को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ इसकी है 4.0, ड्यूल ब्रांड वाईफाई है, SSD है और इसके बाद 8GB LPDDR4 और 4 ड्यूल चैनल है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने लास्ट मिनी कंप्यूटर की जानिब, नंबर 12। तो नंबर 12 पर जो है डॉटर मिनी पीसी, वाओ, AMD जो है ये मिनी पीसी है, A47210 इसका मॉडल है यार, आउटस्टैंडिंग, बहुत ही आउटस्टैंडिंग पीसी है ये वाला। तो इसकी जो सी AMD की बात करते हैं, विंडो 10 प्रो को ये सपोर्टेड करता है और 4GB DDR3 के साथ। इसके बाद जो है वो 64GB इसकी स्टोरेज है, ड्यूल बैंड वाईफाई है यार, वाओ, और BT जो है ब्लूटूथ इसका है वो 4.2 है, यानी कि जो सा हमने पहले ऑलरेडी देख चुके हैं उसकी ब्लूटूथ 4.0 थी। तो ये इसकी देख सकते हैं आप, विंडो 10 प्रो को ये सपोर्टेड करता है। तो आप इसके बारे में, तो आप स्पेसिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। AMD A47210 क्वाड कोर प्रोसेसर इसका, 4GB DDR अपग्रेडेबल है, यानी कि आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो अपनी रैम को, तो 8GB तक इसको आप लेके जा सकते हो। तो इसके बाद 64GB स्टोरेज है, स्पोर्ट बुलेट है ये साटा के साथ है, और वाईफाई जो है 2.4G और 5G है इसके साथ, ब्लूटूथ 4.2 है, एक्सपेंशन जो है एक जो सी पोर्ट इसकी है SD कार्ड की, और दो जो है वो HDMI पोर्ट है, एक ऑडियो जैक की है, और दो USB 3.0 की पोर्ट है, दो USB पोर्ट जो सी है वो 2.0 है, एक DS पावर है। तो ये थी आज के मिनी कंप्यूटर, मैंने आपको दुनिया के सबसे छोटे मिनी तरीन कंप्यूटर को आपके सामने मुतारफ़ करवा दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कंप्यूटर के रिलेटेड जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।